सच और साहस है जिसके मन में अंत में जीत उसी की रहे। आखिरकार आमिर बोल ही गए वो बात जो मिसिंग थी आमिर के बेबाग अंदाज की। जी हाँ, लगान के 10 साल पूरे होने की पार्टी में कैसे आमिर ने एक बार सच बोलकर बिग बी सहित अपने कुछ करीबी लोगों की पोल खोल दी, ये तो आपने पहले देख ही लिया है। और उसकी वजह है आमिर की ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलॉसफी। सच और साहस है जिसके मन में अंत में जीत उसी की रहे। और अब ये भी देख लीजिए कि आमिर की ये सीरियस फिलॉसफी पिछले दिनों कैसे हिलेरियस वे में बाहर आई है। थ्री इडियट्स के इस प्रीमियर में आमिर के मेहमान बने थे इंडस्ट्री के दो बाकी टॉप खान्स। पहले सलमान आए और यहाँ किसी बात पर आमिर ने ले ली सलमान की चुटकी। अभी शाहरुख आएगा, तुझे बड़ा मजा आएगा, तेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। वाह आमिर भाई, कोई मौका नहीं छोड़ते आप मजाक मजाक में भी सच बोलने का। वेल, ये तो SRK की वो लेग पुलिंग थी जो सलमान के सामने नेचुरली निकल ही आई। पर आमिर ने तो मीडिया के सामने भी शाहरुख को नहीं बख्शा। अरे शाहरुख सुन लेगा बहुत भड़क जाएगा भाई, अरे शाहरुख सुन लेगा बहुत भड़क जाएगा भाई। पर आमिर को परवाह कहाँ है। अब तक आमिर जो पोलाइटली कहते थे अवार्ड्स के बारे में, वो अब खुले आम कहने लगे हैं। एक बार फिर आमिर ने कह दिया है कि उनके लिए अवार्ड्स कोई मायने नहीं रखते। अब ये देखिए आमिर के सच और साहस की दूसरी बड़ी मिसाल। वो साहस था इंडस्ट्री के सबसे बड़े दबंग खान यानी सलमान खान की शादी कराने का। मुझे तो इंतजार है सलमान जी की शादी का। और सलमान की शादी के लंबे इंतजार ने आमिर को इतना बेकरार कर दिया कि उन्होंने सलमान के हाथ पैर बांध कर उनकी शादी करने की बात कह डाली। हम लोग जो उनको हाथ पांव बांध के शादी कराएंगे, उससे भी हम सब खुश होंगे। तो इस पर सलमान भला कैसे चुप रहते। सलमान ने भी जवाबी कार्रवाई करने का मन बना लिया। हाँ किया था कि मेरे हाथ पैर बांध देंगे, मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा ताकि अकेले शादी नहीं करे। सलमान की इस धमकी से भी नहीं डरे आमिर। हम लोग जो उनको हाथ पांव बांध के शादी कराएंगे, उससे भी हम सब खुश होंगे। मजा आया ना आमिर का ये हरीश चंद्र अवतार देखकर। इसी बेबाक ढंग से आमिर ने अपनी आने वाली फिल्म डेली बेली के सेंसर क्लियरेंस के सवाल का जवाब दिया था। नहीं कुछ नहीं काटा, सेंसर को भी बड़ा मजा आया। सेंसर ने भी खूब मजे लेके देखा फिल्म को और कोई कट्स नहीं मिले हमको। लेकिन इस बार मजा बिगड़ ना जाए आमिर, क्योंकि आपने आशुतोष गोवारीकर की सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने पोल खोलकर अपनी शरारत को दे दिया है बिल्कुल ही नया डायमेंशन। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आशुतोष गोवारीकर अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए शाहरुख खान को कंसिडर कर रहे हैं। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।